मॉर्निंग फ्रेंड्स, किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में देखेंगे। ये मैकेनिकल का हर एक ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इसका जो कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि देखो, लिमिट फिट टॉलरेंस क्यों ज़रूरत पड़ा। अब प्रेजेंट टाइम में बहुत मास प्रोडक्शन होते हैं। मास प्रोडक्शन मतलब आइडेंटिकल कंपोनेंट इन मास नंबर, मतलब एक ही शेप एंड साइज का कंपोनेंट अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई कंपोनेंट को एकदम 00 साइज़ को बनाने की कोशिश करोगे तो उसका जो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई कंपोनेंट का डायमेंशंस है 20, तो 20 को एग्जैक्ट 20 बनाना, मतलब 20.00000 बनाना बेहद टाप है। इसके लिए आपको मशीनिंग करना पड़ेगा, फिर ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, फिर लैपिंग करना पड़ेगा, होनिंग करना पड़ेगा, सुपर फिनिशिंग करना पड़ेगा, तब आपको ये एग्जैक्ट साइज़ आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग कोई कंपोनेंट को एग्जैक्ट साइज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका रिजेक्शंस भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए उसमें कुछ छूट दिया जाता है। मान लो आपके पास पेन है, ये पेन का ढक्कन है और ये पेन है, पेन को इसके अंदर में फिट होना है, फिर इसको निकालना नहीं है। मतलब इसका जो होल का डायमेंशन है और इसका डायमेंशन एक परफेक्ट लिमिट में रहेगा। ये अगर होल बड़ा हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, ये अगर ये छोटा हो जाए होल तो इसके अंदर में फिट नहीं होगा। बट पेन एक तो जगह में बनता है, ढक्कन एक तो जगह में बनता है, तो मैंने इसका मतलब ये नहीं इसका जो डायमेंशन है ये एकदम बिल्कुल 00 है, मैंने 00 तो बिल्कुल नहीं है ना, तो कुछ छोटा बड़ा होगा, तो कुछ छोटा बड़ा का एक छूट दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट सिस्टम, फिट सिस्टम। ठीक है, तो लिमिट सिस्टम और फिट सिस्टम को जानने से पहले हम लोग, ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी को के बारे में जानेंगे। आपके क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट भी है कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है कि When two components are, मतलब components, यहाँ पे मान लो ढक्कन रखा हुआ है बहुत सारा और यहाँ पे पेन रखा हुआ है बहुत सारा। आप ठीक है, यहाँ से कोई ढक्कन को लो और यहाँ से कोई पेन को लो और इसको फिटिंग करो, तो ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी ये फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलता है इंटरचेंजेबिलिटी। When two components are picked up from their respective lots and they are assembled without any difficulty, this kind of production is called interchangeable production. और ये जो property है इसको बोलता है interchangeability. ठीक है, तो जब interchangeable manufacturing होता है उसका कुछ advantages मिलता है। क्या क्या advantages मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। The assembly of the mating parts is easier since may component picked up from its lot will assemble with any other mating component from the other lot without additional fitting and machining. तो इसको कोई additional fitting और machining करने की ज़रूरत नहीं, अपने lot से कोई भी component लो और वो fit हो जाएगा। It brings down the assembly cost. ये असेंबली कॉस्ट को लोअर करता है। ठीक है, तो कम असेंबली कॉस्ट लगता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस। अगर जो डैमेज पार्ट है इसको प्रोड्यूस करना बहुत इजी होता है और यह प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस ड्यू टू लेस टाइम रिक्वायर्ड टू मेक अप द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड इट सेव्स टाइम, तो टाइम का भी कभी काफ़ी बचत होता है। ये सारे जो पॉइंट्स है इसको आप, ठीक है, जनरल नॉलेज से भी बोल सकते हो,
और वेरी एक्सपीरियंस एंड स्किल लेबर नीड नॉट बी अपॉइंटेड, मैंने से ठीक है, यहाँ पे जो है वेरी स्किल्ड लेबरों का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोसेस को ऑटोमाइज करते हो तो इंटरचेबल चेंजेबल कंपोनेंट बहुत आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मास प्रोडक्शन क्या है। मैंने एक मास प्रोडक्शन का मतलब है सेम साइज एंड शेप का कंपोनेंट बहुत मास नंबर में बनाना, इसको बोलता है मास प्रोडक्शन। तो आपको पूछा जाता है ये जो मास प्रोडक्शन है इसका तो एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हम लोग इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं कि टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़ को मास प्रोडक्शन करने की को करेंगे तो ठीक है, प्रोसेस को ऑटोमाइज करेंगे और इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बहुत घट जाता है। और ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़ को मास प्रोड्यूस करते हैं तो इसका कॉस्ट कम आता है। जब टाइम कम लगता है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होगा। और जब हम लोग कोई चीज़ को मास प्रोडक्शन करेंगे तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, मान लो आपका बाइक का कोई पार्ट टूट गया है तो आप उसको बहुत जल्दी से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सेम कंपनी का जो सेम पार्ट्स है वो सब इजी होगा। अगर जो मास प्रोडक्शन का उल्टा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिलेक्टिव असेंबली। तो कोई चीज़ जब हम लोग सिलेक्टिव असेंबली करते हैं तो उसका ये बेनिफिट, मास प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ना स्पेशल पर्पस मशीन इज नेसेसरी। जब कोई चीज़ को हम मास प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो जो स्पेशल पर्पस मशीन को हमारा ज़रूरत होगा। अगर हम लोग कॉन्वेंशनल मशीन से मास प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। और जिग्स एंड फिक्सर आर मैंने नीडेड मास प्रोडक्शन करने के लिए जिग्स एंड फिक्सर की बहुत ज़रूरत होता है। मैंने तो गेजेस आर ठीक है यूज टू बी इंस्टेड ऑफ द कॉन्वेंशनल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मतलब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का जगह में। और इनिशियल एक्सपेंडिचर विल वेरी हाई। जब हम लोग कोई चीज़ को मास प्रोडक्शन करने जाएंगे तो उसका शुरुआती जो आपका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम लोग इस इंटरचेंजेबिलिटी को पाने के लिए कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत होता है, जो आपकी मुद्दे की बात है। मतलब आपको अभी लिमिट फिट टॉलरेंस को समझना है तो आपको इंटरचेंजेबिलिटी बहुत अच्छे से चाहिए। तो ठीक है, इसका जो मैंने अदर्स मैंने जो डेफिनेशंस है तो ये हम लोग मैं तो ना अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, तो ना बना दूँगा ठीक है आपके लिए। तो आपने जो मेरे को इतना समय दिया इसीलिए आपको धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और पढ़ाई करने का तरीका ये है, पहले आप ठीक है डिस्कशन सुनिए, तो ना किताबों से पढ़िए, फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर देना आप ठीक कोई भी ठीक यूट्यूब चैनल में आके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपका आगे का जो ITI की जर्नी है ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।